आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। क्लास टेंथ का है, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है और इजी तरीका ये शॉर्टकट मेथड है, इसमें स्टार्ट करते हैं। सो ये हम लोग के केमिकल इक्वेशन है। इसमें हम लोग जैसे कि इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ऐसे आप लोग सेलेक्ट कर लो है? उसके बाद आप लोग जैसे कि इसमें एच है हाइड्रोजन, तो एच ए पार्ट में कितने एच हैं, एक, तो ए प्लस बी पार्ट में कितने एच हैं, वन, तो प्लस बी। एंड सी पार्ट में एच नहीं है, डी पार्ट में टू एच हैं, तो टू डी। इतना समझ आया? ठीक है, आ गया समझ, गुड। अब सी आई, इसमें कितने सी आई हैं, वन, तो ए। एंड इसमें कितने सी आई हैं, नो, एंड इसमें इक्वल्स टू वन है, तो सी, इसमें भी नहीं है। अब क्या बचा, एन ए, सोडियम। सोडियम में हम लोग कितने सोडियम है, वन है, तो बी, इसमें सोडियम है, हाँ, इक्वल्स टू सी, वन सोडियम, इसमें भी, इसमें सोडियम है नहीं। अब क्या बचा हम लोग का, ऑक्सीजन, ओ, इसमें ओ नहीं है, इसमें ओ है, कितने, वन, तो बी इक्वल्स टू, इसमें ओ नहीं है एंड इसमें ओ कितने, वन, तो डी। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी अल्फ़ाबेट में ए को वन लेट कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग ए को वन लेट करते हैं, लेट ए इक्वल्स टू वन। सो हम लोग पहला सॉल्व करते हैं, ए वन है तो सी भी वन होगा, तो हम लोग की सी का निकल आया। एंड सेकेंड B इक्वल्स टू C, जब C वन है तो B भी वन होगा, ये भी निकल आया। थर्ड A निकल गया, B निकल गया, C निकल गया, अब हम लोग का लास्ट D बचा। D कहाँ पे है हमारा, ये है, तो B इक्वल्स टू D, और B हमारा वन है तो D भी हमारा वन ही हुआ। तो A B C D हम लोग का, A तो हम लोग ने लेट कर लिया था, C B D निकाल लिया हम लोग ने। अब उसके बाद ये सेम इक्वेशन हम लोग नोट कर देंगे, एच सी आई प्लस एन ए ओ एच एन ए सी आई प्लस एच टू ओ। अब ए में हम लोग का कितना था, वन, तो यहाँ वन लिख देंगे। बी में हम लोग का कितना था, वन, तो यहाँ वन लिख देंगे। और सी में हम लोग का, ये भी वन, और डी में ये भी वन। सो समझ आया? अब हम लोग दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, काफ़ी बच्चों को तो समझ आ गया होगा, काफ़ी को नहीं आया तो हम लोग दूसरी एक बार ट्राई करते हैं। सेकेंड नंबर, एच टू पी ओ फोर प्लस की ओ एच इक्वल्स टू के थ्री पी ओ फोर प्लस एच टू। सो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट सेम यही मेथड है जो हम लोग ने यहाँ सॉल्व किया, वही हम लोग को यहाँ सॉल्व करना है। फर्स्टली ए बी सी डी, ओके, सो एच टू, यहाँ पे एच हम लोग को करते हैं, ए पार्ट में कितने एच हैं, टू, तो टू ए, एंड बी पार्ट में कितने एच हैं, वन, तो प्लस बी इक्वल्स टू, यहाँ पे एच है नहीं है, यहाँ पे एच है, हाँ, तो टू डी, कितने एच है, टू है ना, तो टू डी। अब हम लोग पी को करते हैं, इसमें ए पार्ट में कितने पी हैं, वन, तो ए, बी पार्ट में पी नहीं है, सी पार्ट में कितने पी हैं, वन, तो सी, डी पार्ट में पी नहीं है। अब हम लोग ओ पे आते हैं, ऑक्सीजन, ए पार्ट में फोर ऑक्सीजन है, फोर ए, प्लस बी में वन इक्वल्स टू सी में फोर प्लस डी में वन। अब क्या बचा हम लोग का, के बचा, के, के में हम लोग, इसमें कितने के हैं, ए में तो है नहीं, बी में वन के है, तो बी इक्वल्स टू, और सी में हमारे कितने के हैं, थ्री, तो थ्री सी। एंड मैंने बताया था कि हम लोग कोई भी अल्फ़ाबेट को लेट करेंगे वन, तो इसमें हम लोग ने एक वन के, इसमें भी लेट ए वन, वन। अब इसके बाद तो हम लोग क्या करेंगे, ए वन है तो सी भी वन होगा, सेम, ए इक्वल्स टू सी ए वन, सो सी इज ऑल्सो वन, एंड एंड बी, देखिएगा आप लोग,
इसमें बी का हम लोग थ्री सी था, तो ए तो हम लोग का वन है और सी भी वन है, तो यहाँ पे सी दिया गया तो बी का निकालेंगे आप। तो सी वन था तो थ्री इंटू वन बी, बी भी हमारा कितना निकल आया, थ्री निकल आया बी। अब हम लोग डी निकालना, बस डी बाकी है। डी की इक्वेशन थी हमारी फोर ए प्लस बी इक्वल्स टू फोर सी प्लस डी। अब इसमें हम लोग को सिर्फ डी नहीं पता, बाकी तो सब पता है ना। ए का कितना था वन, प्लस बी का कितना था थ्री, और सी का कितना था हम लोग का वन प्लस डी। फोर वन जब फोर प्लस थ्री इक्वल्स टू फोर प्लस डी, सेवन फोर प्लस डी, सेवन माइनस फोर इक्वल्स टू डी, थ्री डी। सबका निकल आया हम लोग का। अब इसमें हम लोग सेम वही चीज़ करेंगे, इसमें नोट कर ले रहा है पूरी क्वेश्चन सेम टू सेम। हो गया। अब इसमें हम लोग का ए में कितने थे वैल्यू आई थी, ए में आई थी वन, बी में हमारी कितनी थ्री आई थी सी, एंड सी में हमारी वन आई थी एंड डी में हमारी थ्री आई थी। सो दिस इज़ ऑल्सो सॉल्व। सो अब हम लोग एक और देखेंगे, वो थोड़ा सी इससे अलग है, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हम लोग का फ्रैक्शन में आ जाता है तो देखते हैं फ्रैक्शन वाला भी एक लिख लेते हैं। के प्लस बी टू ओ थ्री इक्वल्स टू के टू ओ प्लस बी। अब इसमें कोई टफ नहीं है, इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें भी ए बी सी डी हम लोग ने डिनोट कर लिया ए बी सी डी से। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए है तो इसको भी ए कर लिया, के को कितने में ए की है, ए पार्ट में टू ए, इसमें के है नहीं है इक्वल्स टू, इसमें के है हाँ है, कितने हैं इसमें के टू है तो टू सी। अब इसके बाद इसमें आए के बाद बी में, इसमें कितने बी हैं बी पार्ट में टू हैं तो टू बी, और इसमें बी है नहीं है इक्वल्स टू, इसमें बी है तो डी। अब इसके बाद ऑक्सीजन ओ, ओ में कितने हैं बी पार्ट में हैं थ्री तो थ्री बी, इसमें नहीं है इसमें है ये ओ है इक्वल्स टू सी में वन। सो ये सॉल्व हो गया, इसमें सिर्फ थ्री दिए गए हैं। अब उसके बाद हम लोग करेंगे लेट ए इक्वल्स टू वन, सो ए वन टू सी, ए वन है और टू सी है, सो सी वन अपॉन टू। ए का हम लोग का निकल आया बी, अब हम लोग सी नंबर का निकालते हैं, तो सी का इसमें निकालना है थ्री बी इक्वल्स टू सी, तो थ्री बी इक्वल्स टू वन अपॉन टू, बी इक्वल्स टू वन अपॉन टू टू थ्री, बी इक्वल्स टू वन अपॉन सिक्स। एंड अब इसके बाद हम लोग को निकालना है डी नंबर, तो डी नंबर निकालने के लिए हम लोग टू बी इक्वल्स टू डी, तो टू बी का कितना निकाला था वन वन अपॉन सिक्स और डी, तो टू वन जै टू टू थ्री जै सिक्स डी वन अपॉन थ्री। ये सब फ्रैक्शन में आए। अब आप लोग को टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आप लोग पूरा वैसे नोट करते जाइए स्टेप बाय स्टेप। के प्लस बी टू ओ थ्री प्लस टू के टू ओ प्लस बी, हो गया। अब इसमें ए में कितना था हम लोग का वन, बी में कितना था हम लोग का, बी में था हम लोग का वन अपॉन सिक्स, एंड सी में था वन अपॉन टू, एंड डी में था वन अपॉन थ्री। अब हम लोग को बस क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। सिक्स टू थ्री का एलसीएम देंगे तो कितना आएगा सिक्स, अब वही एलसीएम इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो सिक्स के ये सिक्स से सिक्स कैंसिल, प्लस वन बी टू ओ थ्री प्लस सिक्स, सिक्स से डिवाइड किया टू थ्री जै सिक्स, तो इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री, थ्री आएगा केवल, सॉरी थ्री के टू ओ प्लस, यहाँ पे सिक्स किया सिक्स अंजर सिक्स, सिक्स टू जै थ्री, थ्री टू जै सिक्स, तो टू बी। सो सॉल्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब।